आईडी टीवी प्रेजेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन करमपुरा वार्ड नंबर 99 रजिस्टर के तत्वाधान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ संपादक ललित सुमन, जिनका स्वागत एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह देकर किया। इस अवसर पर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल, निगम पार्षद विपिन मल्होत्रा, पूर्व निगम पार्षद वीरेंद्र बब्बर, भारत भूषण मदान, मैजिशियन अशोक खरबंदा, परमजीत सिंह पम्मा, प्रसिद्ध पंजाबी गायक आशु पंजाबी सहित सैकड़ों गणमान्य हस्ती ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश कुमार, महामंत्री मोहित वोहरा, अजय भाटिया, चेयरमैन संजय सिंघल, वाइस चेयरमैन संजय गोयल, राहुल कौशिक, कोषाध्यक्ष कार्तिक हसीजा, संजय आनंद आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। राजौरी गार्डन स्थित पायरेट्स ऑफ ग्रिल रेस्टोरेंट में शनिवार को किचन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की जबरन सफाई के दौरान दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि दो अचेत हो गए। कर्मचारियों की मौत जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सफाई के दौरान हादसों का सिलसिला 22 सितंबर 2018 मोतीनगर में सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत, 29 अप्रैल 2018 पांच सितारा होटल ताज विमानता में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करने उतरे 5 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आने से घायल, 20 अगस्त 2017 LNJP अस्पताल परिसर में सीवर की सफाई के दौरान 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आए, एक की मौत, 12 अगस्त 2017 आनंद विहार के अग्रवाल फन सिटी मॉल में सीवर की सफाई के दौरान दो भाइयों की मौत, पिता और दमकल कर्मी घायल, 6 अगस्त 2017 लाजपत नगर इलाके में गहरे सीवर की सफाई के लिए उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत। जनकपुरी इलाके में कुछ दिन पहले एक महिला को सड़क पर घसीटकर दो बदमाशों ने बैग झपटा था। वारदात एक महिला नागलोई निवासी रवनजीत कौर ने ही अंजाम दी थी। पश्चिम जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने महिला और उसके सहयोगी निहाल विहार निवासी रमणीक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को चकमा देने के लिए रमनजीत कौर पुरुषों के कपड़े पहनकर वारदात करती थी। दिल्ली के एम्स के ड्रामा सेंटर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने की सूचना मिली है। इसके बाद से दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। अभी तक किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रमोद सावंत के गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ट्विटर और फेसबुक पर उनके नाम से कई फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन से 38 साल के शख्स को देसी कट्टा रखने के आरोप में रविवार को पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 6 बजे आनंद विहार स्टेशन के एक्सरे स्कैनर ने जांच के दौरान विशाल सिंह के बैग में एक देसी कट्टे का पता लगाया, जिसके बाद CISF कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। वह दिल्ली के लाजपत नगर का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से रविवार सुबह पुंछ के सहारनपुर इलाके में भारी गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित रिक्त सीटों की जानकारी सोमवार को साझा की जाएगी। जारी शेड्यूल के अनुसार निजी स्कूल अपनी वेबसाइट पर भी रिक्त सीटों का ब्यौरा साझा करेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर भी रिक्त सीटों की जानकारी साझा की जाएगी। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रविवार 24 मार्च 2019 को पेट्रोल के दाम 5 पैसे बढ़ाए, वहीं डीजल के दाम स्थिर रहे। आज दिल्ली में पेट्रोल 72.86 रुपए और डीजल 66.60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
मैच जीतने से एक कदम की दूरी पर खड़ी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को यह आखिरी क्षणों में विपक्षी टीम से गोल खाना महंगा पड़ा और सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट में कोरिया के साथ उसका मुकाबला रविवार को यहां 1-1 से ड्रॉ समाप्त हो गया। बस सितंबर तक का इंतजार, इसके बाद मथुरा रोड, रिंग रोड और भैरव मार्ग पर जाम कल की बात हो जाएगी। प्रगति मैदान के नीचे से गुजर रही 1 किलोमीटर से कुछ ज्यादा लंबी एक सुरंग बरसों से चली आ रही है, ट्रैफिक समस्या का अंत कर सकती है। दिल्ली में यह अपनी तरह की पहली सुरंग होगी। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।